मानव तस्करी और उस पर भी ब्राइड ट्रैफिकिंग व महिलाओं के खिलाफ ऑनर क्राइम्स जैसे संवेदनशील मुद्दों पर काम करते हुए 18 साल के अपने सफर के दौरान ईपी ने मुद्दे के विभिन्न आयामों पर अपनी पकड़ को कभी कमजोर नहीं होने दिया है। बावजूद इसके कि रास्ते में कई बार बाधाएं भी आई, पर इन बाधाओं से कैसे पार लगना है काम करते हुए ईपी के साथियों ने यह बखूबी सीखा है। यूं ही नहीं, जो सफर आंदोलन के रूप में बिहार के गया जिले से शुरू हुआ वो धीरे धीरे संगठन की शक्ल लेते हुए आज दिल्ली से देश के विभिन्न प्रदेशों जैसे असम, हरियाणा और बिहार में आज भी जारी है। एम्पावर पीपल का संगठन के रूप में विकास ही केवल ऑर्गेनिक नहीं है, बल्कि उसके काम करने की शैली भी ऑर्गेनिक है। इसीलिए क्षेत्र के लोगों को, प्रोजेक्ट क्षेत्र के लोगों को मुद्दे के प्रति सजग व सशक्त करते हुए उनके सामुदायिक संगठनों का निर्माण कर मुद्दे पर काम करने की जिम्मेदारी लोगों को सौंपना एम्पावर पीपल की रणनीति का एक अहम हिस्सा रहा है। एम्पावर पीपल ने अपना काम हमेशा लाइफ साइकिल अप्रोच के साथ किया है। इस दौरान उसने लगभग 10,000 से ज्यादा सर्वाइवर्स की जिंदगी को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है, जिसमें सर्वाइवर्स की जीविकोपार्जन संबंधी कुशलताओं के विकास व उनकी रोजगार इकाइयों को खड़ा करने में मदद करने जैसे प्रयास सराहनीय कदम रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रोजेक्ट क्षेत्र के लोगों की जिंदगियों में भी एक गुणात्मक सुधार आया है। उसकी वजह यह रही है कि एम्पावर पीपल ने हमेशा सामुदायिक भावना में बढ़ोतरी व सामुदायिक संगठनों के निर्माण को हमेशा तरजीह दी है। एम्पावर पीपल के प्रयास हमेशा ऐसे ही जारी रहे, ऐसी शुभेच्छा के साथ संगठन के 18वें जयंती पर मेरी सहस्त्रों शुभकामनाएं।